नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेद शाला में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक और घरेलू नुस्खे के बारे में जानकारी देंगे, जिनकी नकसीर हमेशा छूट जाती है, जिनकी नकसीर मतलब कि नाक से खून लगातार आता रहता है और इसका बहुत ही ज़्यादा आप इलाज भी करा चुके हैं लेकिन आपको इसका समाधान सही ढंग से नहीं मिल पाया है, तो इसके लिए आपको घरेलू नुस्खा बताएंगे हम। खासतौर से जिनके चेहरे पर किसी प्रकार के निशान हैं, झाइयाँ हैं, कील मुहासे हैं, पेट में अक्सर गर्मी बनी रहती है, हाथ पैरों में जलन रहती है, तो उनके लिए आज एक बेहतरीन नुस्खा बताएंगे जो आप आसानी से घर पे बनाकर आप तैयार करके अपने इन सभी रोगों को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। इस नुस्खे को बताने का कारण यही है कि बार बार फोन करके लोग पूछते हैं कि हमारे शरीर में गर्मी बनी रहती है, हाथ पैरों में जलन रहती है, तो उनके लिए विशेष तौर से आज मैं नुस्खा आपको बता रहा हूँ। आपको इसके लिए करना क्या है, गोंद कतीरा लेना है। गोंद कतीरा 4 ग्राम की क्वांटिटी में आपको लेना है, आधा गिलास पानी में डालिए, रात को सोने से पहले और उसे ढक के रख देना है। सुबह को जब वह अच्छी तरह से फूल जाए तो उसमें आधा गिलास पानी और मिलाइए और कम से कम 2 से 3 चम्मच धागा मिश्री का पाउडर मिलाकर आपको उसको अच्छी तरह से मिलाने के बाद सुबह को खाली पेट आपको ये पीना है और ये आप कम से कम 15 दिन तक लगातार लेते हैं, इसका उपयोग करते हैं तो आपके नाक से जो खून बहता है जिसको कहते हैं नकसीर का छूटना बार बार, तो वह भी ठीक हो जाएगी। हाथ पैरों की जलन और आपके पेट की जलन, आपकी गर्मी पेट की, वह पूरी तरह से शांत हो जाएगी। जिसको चेहरे से संबंधित कोई रोग है जैसे झाइयाँ हैं, काले निशान हैं, दाग धब्बे हैं, तो वह भी आपके ठीक हो जाएंगे। अगर आप इस नुस्खे का और भी ज़्यादा फायदा लेना चाहते हैं तो इसके साथ आप एक काम और कर सकते हैं, एक एक चुटकी यानी आधा ग्राम की मात्रा में सफ़ेद गोंद मोरिंगा का उपयोग आप सुबह और शाम खाली पेट करते हैं 2 टाइम, तो आपको और भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे जिससे आपका शरीर जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाएगा। गोंद मोरिंगा के बारे में हमने वीडियो भी बना रखी है, उसके बारे में सब कुछ बताया हुआ है, तो आपको वो वीडियो देखनी है तो आई बटन दबाकर उस वीडियो को देख सकते हैं आप। इसमें आपको विशेष तौर से कुछ परहेज जरूर करने होंगे, आपको किसी भी प्रकार से कोई भी तेज गर्म मसाला नहीं उपयोग में लेना है, खटाई का उपयोग नहीं करना है, खटाई मतलब अचार। आप इसके साथ ही किसी भी प्रकार का कोई भी अंडा, मांस, मछली, शराब, सिगरेट, तंबाकू, इनका भी उपयोग आपको नहीं करना है। हरी सब्जियां खाइए, दूध से बनी सभी चीज़ ले सकते हैं, फल आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा फायदेमंद हैं और आप सलाद जितना खाएंगे, तो ये सभी प्रकार के खाने जब आप खाएंगे तो आपके शरीर को ज़्यादा पौष्टिक आहार मिलने से आपका शरीर जल्दी से जल्दी स्वस्थ होगा। आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना चाहिए, जितने भी खट्टे फल हैं रात को आपको खाना खाने के बाद इनका उपयोग नहीं करना चाहिए और उसके ऊपर दूध भी नहीं पीना चाहिए, इस बात को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इससे आपकी जो पेट की जलन है, जो एसिडिटी बनती है, वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। अगला वीडियो देखने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आयुर्वेद शाला है आयुर्वेद की पाठशाला। नमस्कार।